2013 में न्यूयॉर्क के एक वॉल स्ट्रीट में एक नाम का आदमी काफी ज्यादा चर्चा में आ गया। उसका नाम था एंड्रयू कॉल्सन। एंड्रयू कॉल्सन को जब FBI ने पकड़ा और उससे इंट्रोगेशन की या पूछताछ की, तो उसने कुछ ऐसे खुलासे किए जिसके ऊपर ना गवर्नमेंट को यकीन था ना FBI को यकीन था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई कि उसके ऊपर उनको विश्वास करना पड़ा और वो खबर न्यूज़पेपर में भी छापी गई। अब ये एंड्रयू कॉल्सन ने क्या किया, उसने ये कर दिया कि $800 लगा के उसने $350 मिलियन की कमाई की स्टॉक मार्केट से, ट्रेडिंग से। आप इसको सिंपल अगर हम हिंदी में बात करें तो 24 अरब रुपए कमाए उसने मात्र $800 लगा के। बाकी 800 को आप 70 से गुना कर लेना। मतलब उसने ये कर दिया कि उसने 126 के आसपास कुछ स्टॉक लिए, उस पर ट्रेडिंग की, और वो ऐसी ट्रेडिंग की कि वो हाई रिस्क स्टॉक थे और इससे उसने इतनी ज़्यादा कमाई कर दी। जबकि आज की भी हम बात करें, बड़े से बड़ा जो एक्सपीरियंस बंदा भी होगा उसको भी लॉस उठाना पड़ता है, लेकिन 126 स्टॉक में उसको कुछ भी लॉस नहीं उठाना पड़ा और सबके सब में वो प्रॉफिट में रहा। जब उससे पूछा गया कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया, तो कॉल्सन ने पुलिस को बताया कि उसको पता था कि कौन सा शेयर है स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसने कहा कि मैं 2256 से आया हूं और मुझे पता है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा स्टॉक डाउन जाएगा। तो जब उसे और पूछा गया कि वो इस तरह से कैसे कह सकता है, तो उसने कहा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, अगर आप मुझे छोड़ोगे तो मैं आपको कैंसर जैसे नाइलाज बीमारी की भी आपको मैं दवाई बता दूंगा, क्योंकि इसका इलाज भी ढूंढा जा चुका है, और आपको कुछ ऐसे पते भी बताऊंगा जहां पर आपको कुछ ऐसे मुझसे भी ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ें आपको सामने आएगी। लेकिन FBI ने उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा, उसको कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में उसके ऊपर उसकी जमानत के लिए $1,00,000 रखे गए। उनको पता था कि $1,00,000 कोई भी नहीं चुका पाएगा और उसके ऊपर इतनी बड़ी रकम रखी गई कि इसको कोई छुड़ा भी नहीं पाएगा। लेकिन उसके बाद एक नया शख्स आया जिसको कोई नहीं जानता था, एक अजनबी। उस अजनबी ने $1,00,000 की जमानत दी और उसको छुड़ा ले गया। उसके बाद जब FBI इसकी वेरिफिकेशन कर रही थी, तो उनको कॉल्सन नाम का कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला, ना ही कोई उसके दस्तावेज़ थे, ना उसका कोई ID प्रूफ था। और जब अगली बार उसकी हायरिंग थी, मतलब उसकी सुनवाई थी, तो वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पूछा एंड्रयू। काफ़ी उसकी खोज खबर ली गई लेकिन उसका कुछ भी नहीं पता लगा। और वो दोनों शख्स जिसने उसकी जमानत करी थी, उस अजनबी ने और उसके बाद एंड्रयू, हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए और इसका आज तक भी कोई सबूत नहीं मिला है। अब ये घटना काल्पनिक है या सही है, इसके बारे में आज तक भी कुछ नहीं पता लगा है।